तो आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू की सब्जी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो चलिए बनाते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल। जो अभी आप व्रत में यूज़ करते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा डाल दूँगी और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। जब ये अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें 5 से 6 काली मिर्ची डाल देंगे और 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू काट के डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन्हें हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। जब ये थोड़े से पक जाए आलू, तब इसमें हम 8 से 9 कटी हुई हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। इसमें आप जो हरी मिर्ची है वो ज़्यादा ही काट के डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू की सब्ज़ी में। और जो लोग मोस्टली पीपल जो होते हैं वो व्रत में रेड चिली पाउडर नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आलू की सब्ज़ी में तीखापन लाने के लिए। तो आप हरी मिर्ची का यूज़ ज़्यादा ही इसमें करें और इसे अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। जब तक कि हमारे आलू जो हैं अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसे पकने देंगे। जब हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, उसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने घर पर ही लाकर इसे ग्राइंड किया रहा था, और इसे व्रत के लिए मैंने अलग से स्टोर करके रखा है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं व्रत में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करें, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे अब 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। इन दोनों को मैंने घर पे ही पीसा है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। और मैं स्वाद के अनुसार रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक डाल रही हूँ, जो हम नॉर्मली हम व्रत में खाते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि हमारे मसाले जो हैं सारे अच्छे से पक नहीं जाते हैं। इसे 5 मिनट को पकने देंगे, उसके बाद में हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे राजगिरा पूरी के साथ में, दही फ्राई के साथ में खा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कि राजगिरा पूरी जो है रोलिंग बोर्ड पे बनाना थोड़ा उनको मुश्किल लगता है, तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है पूरी बनाने का। जो कि ये मशीन आती है पूरी बनाने की, पूरी मेकर, जो इसको प्रेस करके हमें बनाना होता है। जो भी फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है उस हम कट करके इस पर घी लगा के हम लोई लगाते हैं और उसे हल्के हाथों से प्रेस करना है, और हमारी पूरी जो है बिल्कुल रेडी हो जाती है बहुत ही इजी तरीके से। राजगिरा पूरी कैसे बनाते हैं उसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है रोलिंग बोर्ड पे बनाना, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। और ये किसी भी बर्तन वाली शॉप पे ये मशीन जो है वो मिल जाती है, या फिर मोस्टली घरों में तो ये होती ही है जिसमें पापड़ और पूड़ी इसी पे बनाया जाता है। तो इस पे बनाने से बहुत ही इजी वे में बहुत सारी पूड़ियाँ हमारी मिनटों में रेडी हो जाती हैं। और आप देखिए इस पे बनाने से हमारी पूड़ी वैसी ही फूली है जैसे कि मैंने रोलिंग बोर्ड पे बनाई थी, बहुत ही अच्छी पूड़ी बनती है, वैसी ही पूड़ी बनती है। तो आप ज़रूर इसे ले सकते हैं।
तो हमारी व्रत की आलू और राजगिरा पूरी बिल्कुल रेडी है। इसे आप मसाला दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई करिए।